बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में जहरीली शराब से लगातार 11 लोगों की मौत हो गई है और आज भी 2 लोगों की मौत हो गई है और लगातार विपक्ष जहरीली शराब को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर दबाव बनाते हुए रहता है। बात करेंगे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, फिर से जहरीली शराब से मौत हो रही है, कल 11 था, आज 13 हो गए। नहीं, बीजेपी जेडीयू लड़ रही है और बिहार की जनता जहरीली शराब पीकर मर रही है, यही है इनका शराबबंदी कानून। जिनको शराबबंदी कानून लागू करना है वही आपस में सत्ता के नशे में लड़ रहे हैं, तो ये क्या खाक शराबबंदी कानून को सफल कर पाएंगे? लोगों की जाने जा रही है, शराब माफिया शराब तस्कर से प्रशासन मिले हुए हैं, ये हम लोग जो आरोप लगा रहे थे, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं। आज तो हद हो गई, दोनों दलों में गाली गलौज सब चल रहा है, एक दूसरे पर कोई ऐसा टिप्पणी नहीं है जो नहीं कर रहे हैं। अब संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री आवास खाली करने की धमकी दी है इशारों इशारों में, तो भाई बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री आवास ही खाली कराने की धमकी दे दी तो खरमास खत्म है, खेला शुरू हो गया। हम लोग तो यही बात कह रहे थे, अब इससे बड़ा सबसे बड़ा दल है बीजेपी सत्ता में और वो कह रही है कि मुख्यमंत्री आवास खाली करें नीतीश कुमार। अब बताएं नीतीश कुमार जी, अपमान सा करके भी मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे या संजय जायसवाल जी बीजेपी के कहने पर खाली करेंगे? तो दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। तो अब देखिए, यह जो सांप नेवले की लड़ाई है बीजेपी जेडीयू के बीच, इससे बिहार की जनता पिस रही है और जनता को नुकसान हो रहा है। बिहार की जनता की चिंता तेजस्वी यादव जी को है, सबसे बड़े दल के रूप में सदन में राष्ट्रीय जनता दल है। हम तो मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी अविलंब इस्तीफा करें, इस लड़ाई में जिस तरह सरकार में बैठे दो बड़े दल लड़ रहे हैं, बिहार की जनता सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी, एक एक पाई पाई का हिसाब लेगी। अगर नैतिकता बची है इस्तीफा करें और महामहिम जी सबसे बड़े दल को आमंत्रित करें सरकार बनाने के लिए। इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है, किसी कीमत पर ये बिहार की जनता सारा खेल तमाशा सरकार में बैठे लोगों का देख रही है। मृत्युंजय जी, लगातार आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं लाखों की कार्यकर्ता हमारे पास है, तो इस तरीके के बयान क्या कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो कह रहे हैं कि अब तो माँ बहन का गाली ही बज गया, बाकी सब चीज तो हो ही गया। एक दूसरे को जेडीयू बीजेपी नंगा कर रही है, जनता के सामने दोनों नंगा है, दोनों ने मिलकर बिहार को बदहाल किया है, बेहाल किया है और आज बिहार फिसड्डी है। ये लोग सत्ता में बैठ करके जिस तरह लड़ रहे हैं ये कोई गंभीर मामला है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के ऊपर जनता की निगाह है, ये कुर्सी से चिपके रहने के लिए कंप्रोमाइज करते हैं या अपने स्वाभिमान और मान सम्मान को जगा करके अंतरात्मा को कुर्सी छोड़ते हैं। जीतनराम मांझी ने भी कहा कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस नहीं ले सकते? यही तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के जो सरकार चला रहे चारों दल है तो सारे लोग अलग अलग राय, कोई पूरब कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण चक्का जा रहा है एनडीए चार इंजन का, तो आखिर ये हो क्या रहा है? तो मुख्यमंत्री जी चुपचाप क्यों हैं? बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कोरोना संक्रमित हुए थे, इसके उनके सहयोगी उनको परेशान कर रहे हैं, तो वैसे सहयोगी के साथ वो कुर्सी पर माने बने रहने के लिए कंप्रोमाइज करेंगे या फिर अपना अंतरात्मा को जगाएंगे, ये देखना है। एक आखिरी सवाल है मेरा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी तक जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई लेकिन अभी तक उनका किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आ रहा है। मैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार आ रहा है, आप ट्विटर पर देखिए, ट्वीट नहीं उन्होंने अभी तक नहीं, किया नहीं, है। अभी उनको लगातार हम लोग खड़े हैं ना, अब देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय, तो राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में अगर हम इस पर बोल रहे हैं, हमारे कई नेता कह रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल की नजर है सब चीजों पर, सब बात देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर के सत्ता में।
सब चीज पर नजर है तेजस्वी यादव जी की। मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको बता दूं कि बिहार में फिर से जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है। नालंदा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पे 11 लोगों की कल मौत हुई थी और आज फिर से 2 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से तेज होगी, जहाँ विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। और राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह कह भी दिया कि बीजेपी और जेडीयू आपस में इस लेवल पर उतर चुकी है कि आपस में ही गाली गलौज कर रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पे पुनः विचार करना चाहिए और महामहिम राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा देना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ विचार करते हैं और क्या इस्तीफा देते हैं। बने रहेगा लाइव बिहार के साथ, इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। विकलित पे नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।